नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहत आहे जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. महाराष्ट्रासह देशभरात तिथीनुसार शिवजयंती साजरी. चेंबूर पांजरापूर येथे काँग्रेस राष्ट्रवादी नेत्यांचा महाराजांना मानाचा मुजरा. रिपाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवलेंना लोकसभेसाठी ईशान्य मुंबईची जागा द्या, अन्यथा पराभवाला सामोरे जा. आठवले समर्थकांचा सेना भाजपला इशारा. लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात बहुजन क्रांती आघाडीची स्थापना. सर्व जागा लढवण्याचे बहुजन नेते प्रकाशन्ना शेंडगे यांची घोषणा. जन अधिकार पार्टी महाराष्ट्राची लोकसभेसाठी दुसरी यादी जाहीर. ईशान्य मुंबईतून महिला अध्यक्षा सुषमा मौर्य देणार दिग्गजांना टक्कर. आणि 25 मार्च ते 8 एप्रिलच्या दरम्यान ललित कला अकॅडमीच्या 60व्या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनाचं मुंबईत आयोजन. देशाला प्रदूषणमुक्त करण्याचा विडा उचललाय चंदीगड येथील अवलिया राजीव कुमार जॉनी यांनी. त्यांनी प्रदूषणमुक्तीचा संदेश देत तब्बल 6 फुटांची सायकल बनवून या सायकलीने चंदीगड ते मुंबई असा सायकल प्रवास केलाय. आणि या प्रवासात त्यांनी प्रदूषणमुक्तीचा नारा दिला. मुंबईत पोहोचलाय चंदीगड येथील अवलिया राजीव कुमार जॉनी. त्याने तब्बल 6 फुटाच्या सायकलीची निर्मिती केली आणि या सायकलनं त्याने प्रदूषणमुक्तीचा संदेश देत चंदीगड ते मुंबई असा सायकल प्रवास केलाय. दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढल्यानं भेडसावणाऱ्या समस्यांपासून प्रेरणा घेत त्याने सायकल प्रवास करून देशाला प्रदूषण मुक्त करण्याचा संदेश दिलाय. चंडीगढ टू मुंबई सायकलची जर्नी मैंने की है. ये मेरा बहुत ही पुराना ड्रीम था. 20 साल पुराना सपना था मेरा चंडीगढ़ से मुंबई आने का, जो आज पूरा हुआ है. पिछले 24 सालों से साइकिलिंग करता आया हूँ. कई साइकिल मैं डिजाइन कर चुका हूँ, कई जगह मैं जा चुका हूँ. इस जर्नी में हम मैसेज लोगों को ये दे रहे हैं, साइकिल टू वर्क सेफ इन्वायरमेंट. लोगों से ये हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन कम से कम साइकिल का इस्तेमाल कीजिए. इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और जो पोल्यूशन ओवर हो चुका है. अभी दिल्ली 10 दिन बंद था. स्कूल के बच्चों को 10 दिन की छुट्टी दी गई थी क्योंकि वहाँ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. अगर आज हम लोग साइकिल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में उठा के चलना पड़ेगा. तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो दिन ना देखने पड़े, इसलिए आज साइकिल चलाएं. इससे हमारा पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाएगा और बच्चों की सेहत भी ठीक रहेगी. राजीव कुमार यांनी आतापर्यंत विविध सायकली डिझाईन्स केल्यात. त्याची नोंद लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सनेही घेतले आणि आता त्याची झेप आहे ती काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतचा सायकल प्रवास करण्याचा. या प्रवासात ते प्रदूषण मुक्तीचा संदेश देणार आहेत. लिम्का बुक इंडिया बुक और युनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है. और एक मुझे नेक्स्ट जर्नी करनी है कश्मीर टू कन्याकुमारी. उसके लिए क्या साइकिल मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ. उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा है मेरा, 4 लाख रुपये खर्चा साइकिल पर है. तो मैं स्पॉन्सर चाहता हूँ कि कंपनी मेरे को स्पॉन्सर करेगी, तो मैं बहुत जल्दी वो साइकिल तैयार करके कश्मीर टू कन्याकुमारी की यात्रा अपनी करूँगा. और उस यात्रा से मेरा और मेरे देश का नाम रोशन हो जाएगा. मेरा नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो जाएगा. कैमरामैन शैलेश करंडे सह पल्लवी केदारे जनादेश वृत्तवाहिनी करीता.